राजधानी पटना से खबर है, राज्यपाल से मिला है आरएलजेपी प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नेतृत्व किया आरएलजेपी नेताओं की। राज्यपाल से मांग है राज्य में जल्द लागू हो राष्ट्रपति शासन। शराब से मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है। बिहार में शराबबंदी कानून फेल है, इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है, ये कहना है आरएलजेपी का। पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने राज्यपाल से मांग की कि छपरा में जहरीली शराब से जो मौतें हुई है उसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। बिहार में शराबबंदी कानून फेल है, इसलिए इस कानून को तुरंत वापस लिए जाए। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधियों का राज हो गया है। आरएलजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की है कि बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किए जाए। आरएलजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। राज्य में जल्द लागू हो राष्ट्रपति शासन। शराब से मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। शराबबंदी कानून को फेल बताया। तमाम मसलों का जिक्र राज्यपाल से करते हुए आरएलजेपी के प्रतिनिधि मंडल की जानकारी सामने आई। बिहार में कानून व्यवस्था को आरएलजेपी ने चौपट बताया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, देखिए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राज्यपाल से आरएलजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है, सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार जो विधानसभा में जिस तरह की घटना किए हैं वो अशोभनीय बात है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि बिहार विधानसभा का सदस्य होता है और बिहार विधानसभा के अंदर में मुख्यमंत्री ने अपशब्द का व्यवहार किया और कहा इन लोगों को घर बाहर करो, ये तुम ताम किया, ये बहुत ही गलत संदेश किया है। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम सबों ने आज महामहिम जी से मुलाकात किया। बिहार की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उससे अवगत कराया। बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गया है उससे हमने अवगत करवाया। बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी विफल रही है उससे हमने अवगत करवाया। और जिस तरीके से बिहार में जिस तरीके से जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है उससे हमने अवगत करवाया।